जंग गिनती या तादाद से नहीं, जज्बे से लड़ी जाती है, जज्बे से। अगर हम में जज्बा है उनसे टकराने का, उनको मिटाने का, तो हम उन्हें मिटा देंगे। हाँ, हम उन्हें मिटा देंगे। मेरे अजीजों, दोस्तों, साथियों, अपने आंसू पोंछ डालो और ये सोच लो कि अगर मरना ही है तो इज्जत से मरेंगे, जिएंगे तो इज्जत से जिएंगे। अपने को कमजोर न समझो, अपने दिलों से उठती हुई चिंगारियों को शोले बना लो और दुश्मन के इरादों को जलाकर रास कर डालो। पूरे यकीन और अपनी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करो। उसके वार करने वाले हाथों को काट डालो, उसके सरों और सीनों को अपने खंजरों तलवारों से छलनी कर दो, उसके कदमों को उसी के खून में डुबो दो, तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। मुकाबला करेंगे, इज्जत से जिएंगे, इज्जत से मरेंगे। तो फिर आओ मेरे साथ। कहां मर गए? तुम्हारे डर से
दहशत से खौफ ज्यादा होकर शायद सब समंदर में डूब गए। लेकिन समंदरी बादशाह वो हमारे लिए सब मालो दौलत छोड़ गए। ये सब मालो दौलत लूट कर अपने जहाज में रख दो और फिर इस जहाज को आग लगा दो। आग सबसे ज्यादा कीमती चीज किसी में बंद है।
काटूंगा ताकि तू जिंदगी भर उस दर्द और तकलीफ को महसूस करे जो तू दूसरों को देता रहा है। और जब भी तू उल्टे हाथ से खाना खाएगा तो मुझे याद करेगा कि जिंदा कौन था और उसने तुझे ये सजा क्यों दी थी। मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतरम बुजुर्ग, ये क्या किया आपने? मुझ पर अपनी जान कुर्बान कर दी। मुझ जैसी हजारों जाने भी कुर्बान हो जाए तो कम है। ऐ बहादुर इंसान सिंदबाद, मैं मर रहा हूं लेकिन अपने साथ ये खुशी लेकर जन्नत जा रहा हूं कि तुमने बूढ़े लोगों और मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ साथ औरतों को भी बेइज्जत होने से बचाया है। वही मर्द इंसान कहलाने का हकदार है जिसके दिल में औरतों के लिए इज्जत और हिफाजत करने का जज्बा हो। मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हारे हौसले और हिम्मत की उम्र दराज करे। आमीन। मेरे बाद ऐ लोगों सुन लो कि इस जहाज का मालिक सिंदबाद होगा। हाँ, इस जहाज के मालिक अब तुम हो सिंदबाद, तुम। अब साहिब ईमान सिंदबाद, देख सदियों से हमारे खानदान में ये मुकद्दस तलवार शमशीर सुलेमानी मौजूद है। ये हमारे बुजुर्गों का एक मुबारक तोहफा है। मैं इसका वारिस हूं और अब तुम इसके वारिस होगे, इसलिए ये तलवार मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। लो, लो, अल्लाह के नाम पर इंसानियत की हिफाजत के लिए जुल्म और बदी के अंधेरे रास्तों में ये नेकी की शमा बनकर तुम्हारी राहनुमा और मददगार और बलाओं से बचाने वाली वफादार साथी होगी जो दुश्मनों के लिए मौत और दोस्तों के लिए जिंदगी का साया बन जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। एक बहुत ही गरीब मामूली सौदागर, अल्लाह का बंदा, इंसानियत का रखवाला सिंदबाद अपनी हिम्मत, बहादुरी और अपने ईमान की ताकत की बदौलत वो गरीब से अमीर और एक मामूली सौदागर से एक बहुत बड़े सौदागर जहाज का मालिक बन गया। सिंदबाद इंसानों की खिदमत करता हुआ मासूम बच्चों, मजलूम औरतों और बूढ़े मुसाफिरों को उनकी मंजिल पर पहुंचाता हुआ एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अपना माल बेचता हुआ और नया माल खरीद कर जब सिंदबाद अपने वतन की तरफ रवाना हुआ तो समंदर के खौफनाक तूफानी लहरों ने
उसके जहाज को एक ऐसे बेनाम समंदर में धकेल दिया जहां उसे एक काला जजीरा नजर आ रहा था। ए नाखुदा, दूर एक जजीरा है, क्या हम अपना जहाज वहां ले चलें? जी हजूर। तो फिर घुमा लो जहाज। ना खुदा, ये कौन सा जजीरा है जहां ना पेड़ है ना पौधे, ना चिड़िया है ना कोई जानवर, कहीं कोई जिंदगी दिखाई नहीं देती। मैं भी पहली बार इस जजीरे को देख रहा हूँ। मैं भी हैरान हूँ अमीर सिंदबाद कि अपनी 40 साल की समंदर की जिंदगी में ये जजीरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। खैर, लाओ मुझे मश्क दो, मैं जरा पानी तलाश कर रहा हूं। जाओ, दूसरों की जाने बचाओ, जाओ, 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 जाओ।
अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला।